हेलो फ्रेंड्स, होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को वो गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी, स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख, यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता आने लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतने व्यवहार कुशल न थी, उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितनी ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था कि 6 संतानों में से अब केवल 3 जिंदा है, एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकती थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी, वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम सूजने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है, जो पाँचों पोशाक लाई है, ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाओ। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देख कर रिझ जाएगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आँच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इस निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा,
बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर उह के पौधे की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन ने कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लूंगा। देसी गाय तो दूध न दे न उनके बछुए ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोलों में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो चार पांच सिर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकालेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गमीर आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चीलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे जमीन के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गौए यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। ओरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यही बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी है गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाये जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपये नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साह का देना भी बाकी है जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है, लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना है अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज रहा मैं तो, के 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई, 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों की दिए, जिस पर ग्राहक रुपए का 8 सिर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वो माल की यहाँ 10-5 गांव में
तो किसी के पास निकलेगा ही नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खाके लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम्ही लोगों का गुदार है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, इसके दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है, कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीचे आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। ये तुमने 1,00,000 रुपए की बात कही थी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह हुरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खकंड भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का ढेरा, कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 100-50 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं फिक्र में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उभर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजार कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में भी अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है, मैं तो छुट्टी लो तो चलो एक दिन देखा है। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे बात कहूँगा, बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चले, उतावली काहे की। इस कबरी पर मल अलचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अपना धर्म ये नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो हुरी, जैसे हम तुम दो है। तुम गाय ले जाओ, दाम चो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रहेगी। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल दोनों जून में 6-7 शेर दूध, सीधी ऐसी की बच्चा भी दूले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर पड़ेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार का तो वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है, यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी, इस व्यवहार का वह आदि था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है,
और ऐसे बुड्ढों से अगर कुछ ऐड भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध लेना, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ, शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर, मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं, जब तक दूध देती रखते फिर किसी के हाथ बेच देते, किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे, उसकी सेवा करोगे, चमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहो भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा, रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाराज से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका, उसने इनकार कर दिया। इतने जानवर को क्या खिलावे, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊ तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रो, बांटता कोई नहीं, हंसते सब है, जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला दूंगा, लेकिन अब यह तो रातिब बिना रही नहीं रह सकती, हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी है, इसमें संदेह नहीं, उसकी गाड़ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, भावताओं में भी वह चौकस होता है, ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है, जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है, खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है, गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं, मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो, भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। मुद्दा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना, होरी ने दुखित स्वर में कहा। दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जन तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेगे कि नहीं, भगवान कोई ना कोई सबेल निकाल